أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسوله النبي الامين وعلى اله واصحابه وازواجه وسلم تسليما كثيرا فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفس بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله محترم ناظرين وسامعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته मैं जिस टॉपिक को लेकर आज हाजिर हुआ हूँ वह है अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत क्यों और कैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन जो पूरी कायन का खाल मालिक हैं खाल अरद हैं अल्लाश अल्लाह ने कहा हर चीज़ को अल्लाह ताला ने पैदा किया है हमारा आप को इंसानों को जिनों को फ़रिश्तों को तमाम मखलूक़ को पैदा करने वाला अल्ला रब्लम है अल्लाह ताली ने इंसानों को आदम साम से इस जोड़े से जो है अल्लाह ताला ने पहले आदम साम को अल्ला ने पैदा किया और उन्हीं की पुष्ट अल्लाह ने सलाम को पैदा किया फिर उन दोनों से ओबस अमिन हमारा कसर सुर नसा की इब्तई आयत में अल्लाह ने कहा इसी जोड़े से अल्लाह ने तमाम इंसानों को पैदा किया और अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा करके आदम से शुरुआत आद की और कियामत तक आने वाले तमाम बंदों के बारे में अल्लाह ने कहा व आता साल तुम ज़िंदगी गुजारने के तमाम असूल वजावित अल्लाह ने मुकर्र किए किस लिए हम पैदा हुए हैं उस मकसद को अल्लाह ने बताया कैसे ज़िंदगी गुजारना है और तौर तरीक़े अल्लाह ने समझा दिए और अल्लाह ने हमें पैदा दुनिया में भेजने से पहले अल्लाह ताला ने अलस्तु बरब्बुम का जो सवाल अल्लाह ने किया और हमने कहा भला कलू बला तो अल्लाह ताली ने चैलेंज किया था जहाँ इबली से चैलेंज किया उसने भी चैलेंज किया था तेरे बंदों को बहकाऊँगा सताऊँगा जब तक उनकी सांस उनके जिस्म में बाकी रहेगी बहकाऊँगा तो अल्लाह ताला ने भी चैलेंज किया अल्लाह ताला ने कहा जब तक मेरे बंदे मुझसे मांगेंगे तोबा करेंगे इस्तेफ़ार करेंगे मैं उन्हें माफ़ कर दूँगा तो ये बहुत बड़ी नमत है अल्लाह की बहुत बड़ा फ़द्ल एहसान है कि अल्लाह ताली गफूर है रहीम है अगर बहुत सारी बातों का मैं ज़िक्र करूँगा तो अल्लाह ताली ने बहुत सारी नमतें हमें दी हैं ऐसा नहीं कि अल्लाह ताला ने हमें ऐसे ही छोड़ दिया ज़िंदगी गुजारने के तौर तरीके बता दिए हमारा दुश्मन कौन है खुला दुश्मन अल्लाह ने समझा दिया कैसे रहना है नेक कैसे बनना है नेकी किसको कहा जाता है ये तमाम चीज़ें अल्लाह ने बेहतरीन तरीक़े से समझा दिया शर क्या है बुराई क्या है बुराई की जड़ क्या है तमाम चीज़ें अल्लाह ने बता दिया है। तो बहुत सारी नेमतें अल्लाह ताला की हम पर हैं वन तदो नमतू हम सुर नहल में अल्लाह ने कहा अगर तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहो तो शुमार नहीं कर सकते गिनना चाहो तो गिन नहीं सकते रब की इतनी नेमतें हमारा आप पर हैं सब पर हैं बड़ा मोहसिन है वो बड़ा फ़ल्ल व करम करने वाला है और बदले में कुछ नहीं चाहता अल्लाह ताला बदले में कुछ नहीं चाहता वह हमारी हमारे आकदा मनहज जिसकी हम बात करते हैं जिसकी असलाह ज़रूरी हैं जिसको समझना ज़रूरी है हमारे इबादात हैं हमारे हकूक व मामलात की अदायगी हैं हमारे अखलाक किरदार हैं ये तमाम चीज़ें हमारे फ़ायदे के लिए अल्लाह ने मुकर की, जितनी चीज़ों का अल्लाह नेक्म दिया है यह हमारा फ़ायदा अगर हम करें तो हमारा फ़ायदा है जितनी चीज़ों से अल्लाह ने मना किया हराम करार दिया अगर उससे हम बचते हैं तो फ़ायदा हमारा हैं हम कितने अच्छे बन जाएँ हजीसी ख़ुदी का तरफ इशारा करते हैं आगे बढ़ूँ अब्दा मसूद ताला तौ से जो हदीस मरवी हैं अल्लाह ताला ने जिसमें कहा मैंने म को हराम कर दिया अपने ऊपर म को हराम कर दिया तुम्हारे दरमियान हराम कर दिया तुम जुल्म ना करो उसमें अल्लाह ताला ने यह भी फ़रमाया कि पूरे तमाम इंसान जिन मिलकर नेक बन जाएं अल्लाह का कुछ फ़ायदा हम नहीं कर सकते और अगर सब मिलकर बुरे हो जाएँ कोई नुकसान अल्लाह को नहीं पहुँचा सकते ये उसूल हमारे रब ने दिया है वह हमारा रब है जिसने एहसाना किए हैं हम पर इनामात किए हैं बहुत सारी नमतों से मालामाल फरमाया है तो इसका लाजमी तकाजा है कि हम अपने रब से मोहब्बत करें अपने रब से सच्ची मोहब्बत करें मोहब्बत के क्या तकाज़े हैं मोमिनों का क्या मामला है रब से मोहब्बत का सुर बकर ने कहा वदीना आमनो अशदुहब्लाम अल्लाह ने गवाही दी मोमिन बंदों के बारे में मोमिन बंदियों के बारे में कि वो अल्लाह से बड़ी मोहब्बत करते हैं। और जो लोग मोमिन नहीं हैं काफिर हैं मुशरिक हैं मुनाफिक हैं अल्लाह ने इशारा किया कि जो लोग मोमिन नहीं हैं उन लोगों ने कई मबूदात बना लिए अपने कई माबू अल्लाह को छोड़ कर उस खालिक व मालिक मबूद हकीक को छोड़ कर अपने जो, हैं माँद, जो है मबूद जो मामदान बातिला हैं हकीक़त में बातिल हैं जिनकी कोई बुनियाद नहीं है शैतान ने उनको गुमराह कर दिया है तोात जिसको कहा तागूत हैं तागूत हैं जिनकी कोई असल नहीं कोई उनका अतबार नहीं ऐसे लोगों से उन्होंने मोहब्बत की लेकिन जो लोग मोमिन हैं मुसलमान हैं अल्लाह ने गवाही दी वो अल्लाह से सच्ची मोहब्बत करते हैं इसी तरह अल्लाह ताला ने कहा मोहब्बत का लाजमी तकादा है कि हम अल्लाह की नमतों पर शिक्र गुज़ारी का जज्बा अपने अंदर पैदा करें वश्कोल्लाकुन तो मियााह होताबुदून शुर बकर में ही अल्लाह ने कहा इससे पहली आयत आयतों में आयत मौजूद हैं लिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करूँ इनकन तुम या होता अबोन अल्लाह ने कहा अगर तुम सच्ची अगर सही इबादत करते हो अल्लाह की तो शुक्र का जज्बा आना चाहिए हम कितने भी इबादतें कर लें नमाज़ पढ़ लें अगर दिल राज़ी नहीं रब के फ़ैसले से तो इबादतें किस काम की नहीं मोहब्बत का लाजमी तखा दाइए दिल मतम हो रदी तो बिल्ला ये सिर्फ ज़बान से कहना नहीं रब के फ़ैसले से राजी होना है रब ने जो भी फ़ैसला किया वो सच्चा है हकीकी है और अपने वादे में अल्लाह झूठा नहीं है अल्लाह के वादे बिल्कुल सच्चे हैं हमारा आप झूठे हैं हमारे दावे झूठे हैं जो रब से वादा किया हम उसको निभाना तैयार नहीं रब ने इतनी आसानियाँ की हैं आगे जो तखाजे में जिक्र करूँगा इसी तरह ईमान की चाशनी ईमान की हकीकत ईमान की लजत ईमान की मिठास उसका सही टेस्ट उस बंदे को होगा उस बंदी को अल्लाह के नबी सास आसन ने फ़रमाया सलासन मन खुन ना फ़ी ही व जदा बही ना हलावल ईमान कि तीन खसलतें तीन आदतें ऐसी हैं तवील हदीस है मैं इसे इशारा करूँगा जो हमारे मौजू से मतलब पहली बात अल्लाह के नबी सा आसन ने फरमाया मनकून अल्लाह रसोल हब्बा इमा सवा हम कहाँ कि सबसे ज़्यादा महबूब सबसे ज़्यादा हम महब्बत वो बंदा वो बंदी जो सबसे ज़्यादा मोहब्बत अपने रब से करे अल्लाह से सच्ची मोहब्बत हो और उसके रसूल अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत हो तो उसने ईमान की मज़े को हकीकी मानों में हासिल कर ली हमारा आप गौर करें क्या हमें हलावत महसूस हुई छोटा सा मसला होता है छोटा सा मसला तो हम परेशान होते हैं तकदीर पे हम ये करते हैं बुरी तकदीर पर ईमान लाना ईमान का तकाजा है अरकान ईमान अच्छी तकदीर पर हर एक ईमान रखता है हर एक चाहता है कि अच्छा हो जब भी कुछ बुरी तकदीर का मसला आए हालात बिगड़ जाएं आजमाइश हो तो हम समझते हैं कि अल्लाह ने अजाब दे दिया हमें ये तो काफ़िरों का शेवा है कुरान में अल्लाह ने वाजे कर दिया जब भी कोई मसला हो काफिर तो यही समझता है कि मेरे रब ने जुलम किया नौजबिल्ला वो ाल नहीं आज के जो भी हालात हों इसमें अल्लाह ताली ने मोमिनों का इम्तहान लिया है मोमिनों की आजमाइश है नेक बंदों की आजमाइश है वहीं बुरों के लिए अजाब हैं जो इन हालात को आज के हालात को ये वबाएँ जो फैल रही हैं ये जो मसाइल आज चल रहे हैं लॉकडाउन के जो मसाइल हैं अच्छी अच्छी चीज़ें जो तालीमी मराक़ज़ हैं तालीमी मराक़ बंद हैं इसका मतलब क्या है रब की इबादत गाहें भी बंद थी खुल गई लेकिन तलीम मराज़ अब तक नहीं खुली और करें इकरा का दर ने दिया था तलीम ख़ुलामल्ला का दर्स अल्लाह ने क्यों दिया इल्म हासिल करें इल्म हासिल करें हमारी इबादतें हमारी ये येबानियाँ हमारी ये तमाम चीज़ें उसी वक्त मकबूल होंगी सही इल्म आ जाए सच्ची मोहब्बत अल्लाह से करें मतलबी ज़िंदगी ना गुजारें हम मतलबी हैं मतलबी हैं ऐसे मतलबी ही अल्लाह अखबार कि अल्लाह एहसान कर रहा है अल्लाह ताली इनामात कर रहा है तब भी मतलब हम बने खुशहाली का ग़लत फ़ायदा न उजबिल्ला किस को हम धोखा देना चाहते किस को हम धोखा दे रहे हैं अपने आप को अपने आप को हम धोखा दे रहे हैं अपने रब को धोखा नहीं दे सकते खुशहाली में अल्लाह को याद करना ये सबसे बड़ी सबसे बड़ा कमाल है बदहाली में हालात जैसे बिगड़ जाएँ बीमारी में हम आ जाए वो तो रब का फजल है कि हमें बीमार करता है और रब का फजल है कि हालात से दो चार करता है ताकि बंदा रब से जुड़ जाए बुरे हालात में हर एक जुड़ता है जुड़ना भी चाहिए और ना उससे बड़ा कोई बदनसीब नहीं जो अपने रब से कट जाए खुशहाली असल कमाल है खुशहाली में उस रब को याद करें खुशहाली में अल्लाह को, अल्ला को याद करें हर वक्त अल्लाह ताला हमारे उसके इल्म में हम हैं उस वो सुनता है वो देखता है चाहे हम कितने नाफ़रमान हो जाएं, दुआ के जो आदाब तकाजे हैं उसके ख़िलाफ़ भी हम जाएं, रब हमारी सुनता है रब हमारी पूरी करता है ये जलाल का एक कमाल है कि वो समद हैं अल्लाह वो बेनियाज हैं जैसे मैंने शुरू में कहा वो हम हमारी तमाम चीज़ों का वो मोहताज नहीं इसीलिए प्यारे नबी ने हमें समझा दिया था कि मेरा अमल जब कहा कि तुम में से किसी का अमल जन्नत में दाखिल नहीं कर सकता हती अपने बारे में कहा मैं भी जन्नत में नहीं दाखिल हो सकता जब तक कि मेरा रब का फजल ना हो वो उसका फजल है जन्नत हम खरीद नहीं सकते लेकिन उसने खरीदा है इनमी अनफुसूल हमारी नेकियां, हमारी इबादत हमारे एहसाना जिसको हम एहसान समझते हैं चाहे दीन के मामले में हो दुनिया के मामले में हो अल्लाह को ज़रूरत नहीं है लेकिन उसने हमारी ख़दरदानी की है ख़दरदानी करते हुए अल्लाह ने कहा कि मैंने मोमिनों से उनकी जान माल के बदले जन्नत को ख़रीद लिया ये उसका फ़दल है उसका करम है हम समझते हैं कि हमने एहसान कर दिया रब पर नौबी हम समझते हैं कि हमने एहसान कर दिया किसी पर वो तो तोफ़ी भी वही देने वाला है कोई किसी पर एहसान नहीं करता तोफ़ी उसने दी है माल उसी का है यह जान उसी की है ये सब कुछ उसी का है तो हम उसी के लिए करना है उसे से सच्ची मोहब्बत करनी है और अल्लाह ताला देखिए सही बुखारी सही मुस्लिम की उसी रिवायत की तरफ इशारा कर उस वाक़े की तरफ़ एक गजबे में अल्लाह के नबी सा ने एक बच्चे को देखा कि माँ जो है अपने सीने से लगा कर उसको दूध पिला रही तो अल्लाह ताला प्यारे नबी सा ने अल्लाह ताला के बारे में कहा अल्लाह इस माँ से ज़्यादा ये माँ जो अपने बच्चे से इतनी मोहब्बत करते हुए सीने से लगा कर दूध पिला रही कहा कि अल्लाह ताला इससे ज़्यादा मेहरबान हैं अल्लाह ताला बंदों पर इससे ज़्यादा मेहरबान हैं और आज जो मशहूर है सत्तर माँ सत्तर नहीं कोई हद नहीं उसकी उसके महरबानी उसके रहम करम की कोई हद नहीं मिसाल प्यारे नबी सा ने दी कि रहमत के सौ दर्जे हैं जिसमें एक दर्जा दुनिया में अल्लाह ने नाजिल किया है अल्लाह अकबर आज जो मोहब्बत हम देखते हैं माँ बाप की औलाद से औलाद को माँ बाप से मियाँ बीवी की मोहब्बत दोस्तों की और जो भी मोहब्बत आज दुनिया में है एक जानवर भी अपने बच्चे पर रहम करता है लेकिन आज इंसानियत को हमने खो दिया इंसानियत के खिलाफ हम कर रहे हैं इतनी मोहब्बत नहीं अपनों से मोहब्बत नहीं गैरों तो दूर की बात गैरों से कहाँ हम मोहब्बत करेंगे दीन से हमें मोहब्बत नहीं इस्लाम से मोहब्बत नहीं प्यारे नबी सा आसम से मोहब्बत नहीं ख़ैर अल्लाह से तो मोहब्बत जिसने पैदा किया जितने एहसान किए रहम करम करने वाली ज़ात जिसने ये भी कहा कुल या इबादीनाशरफु अंफुसीमला तखन तुम रहा कितने भी हम गुनाह कर लें ज़मीन भर के खदीस खदोसी में आया ज़मीन भर के गुनाह कर लें शिर नफाक जैसे अगर उसमें भी मुबला हो जाए मरने से पहले अगर कोई सच्ची तोबा कर लें इस आयत में यही कहा गया मेरे बंदों से कह दो जिन्होंने अपने ऊपर जुल्म किया इसराफ किया हद से आगे बढ़ गए गुनाह करके नाफ़रमानी करके देखिए कितना बड़ा एहसान करने वाला है अल्लाह ने कहा कि ला तख न तो मे रहमत अल्लाह कहा कि रहमत से मायूस ना होना अल्लाह अकबर लेकिन याद रखें इसका मतलब ये नहीं कि जो जैसे चाहे हम ज़िंदगी गुजारें रब चाहे ज़िंदगी को छोड़कर मन चाहे ज़िंदगी हम गुजारें सूरह हिजर में अल्लाह ने उन लोगों के बारे में कहा जो समझते हैं कि हाँ अल्लाह बड़ा मेहरबान है अल्लाह बड़ा मेहरबान लेकिन किस पर हैं वो शदीदुल्कब भी हैं नब्ब इबादी अन्य अनग़फ़ूर रहीम मेरे बंदों से कह दो मैं ग़फ़ूर हूँ बड़ा बख्शने वाला हूँ उससे कोई बड़ा बख्शने वाला नहीं वो रहीम सबसे ज़्यादा मेहरबान है उससे बड़ा कोई मेहरबान नहीं वो मेहरबानी करता है तो कोई मतलब नहीं होता उसका वो हमसे कुछ नहीं चाहता उसको ज़रूरत भी नहीं है अल्लाह अकबर ऐसा मेहरबान है ऐसा गफूर है वो चाहता भी नहीं कि बंदा ग़लती करे अल्लाह अकबर अल्लाकबर अकबर कितनी बड़ी बात है और कहा वाना अदा भी हूँ वदा वालीम और मेरा अजाब बड़ा सख्त है नाफरमानों के लिए बदमाशों के लिए बदमाशों के लिए जान बुझ कर हम ऐसी हरकत अल्लाह को धोखा देने पर तुले हुए हैं नौज़बिल्ल आज पूरी इंसानियत एक छोटे से छोटी सी बीमारी वबा के ज़रिए पूरी दुनिया को अल्लाह ने ये रब का कमाल है ये दलील है उसकी वहदानियत पर यह दलील है उसकी रबूबियत पर यह दलील है उसके आसमा वफ़ात बरक़ हैं वह बर हक है वह अकेला है वह अकेला है कि पूरी दुनिया को उसने हिला दिया कन फ़ैक की ताकत ये पवर हैं रबल के अगर उस रफ़ से मुहबत ना करें आज इन हालात को हम ना समझें तो हमसे बड़ा बदनसीब कोई नहीं उस रफ़ के लिए जुड़ें उस रफ़ के लिए हम करें रब इतना मेहरबान है उस रब से सच्ची मोहब्बत करें और मोहब्बत का तखादा ये है कि उस रब से डरें उस माने में डरें जैसे वो चाहता है डरने का मतलब आसान जो ने समझाया कि वो काम करें जिसके करने का उसने हुक्म दिया उसको राज़ी करें खुश करें और उस करने में वो मोहताज नहीं है हमारे कामों का और उन तमाम चीज़ों से रुक जाएं जो उसने हराम कर दिया है मना कर दिया है आसान है तखवे का मफहम आसान है जो चाहता है वो करें और जो नहीं चाहता उससे रुक जाएं ये तखवा है असल में ये ज़िंदगी हमें गुजारना है प्यारे नबी वसलम ने साहबाई कराम ने और अल्लाह के नेक बंदों ने इसी तरह ज़िंदगी गुजारी गुनाहों से अपने आप को बचाया और अच्छे काम करके रब को राज़ी कर लिया तो बात लम्बी ना हो मुख्तसर मैं इशारा करूँगा रब से मोहब्बत के तखादे क्या हैं वैसे मिसालें बहुत हैं अल्लाह की रहमत कुरान में भर दिया अल्लाह ताला ने जगह जगह अल्लाह अल्लाह गफ़ूर है रहीम है फला है माफ़ करने वाला है दरगुजर करने वाला है ये सब जो है रब की मोहब्बत के तखादे हैं कि हम भी माफ़ करने वाले बने हम भी जो है ग़लती ना करें उससे सच्ची मोहब्बत करें अल्लाह की मोहब्बत की जो नशानियाँ मुख्तसर इशारा करके अपनी बात को ख़त्म करो तोहि से सुनत से महब्बत हो दीन से दीनी तलीमात से हमें मोहब्बत हो शरक बिदात व ख़ुराफात से हर गुना से नफ़रत हमें हुनर ये रब से मोहब्बत का तखादा है रब की तोहद को समझें और शर्क को समझते हुए ज़िंदगी गुजारें उससे बरात का ऐलान करें क़िलान व अमलन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वालहाना मोहब्बत और आपका दिफा हो डिफ़ेंस हो अमल करके हम फलाओं को बोलते हैं फलाओं को बोलते हैं उसने गुस्ताखी की उसने ऐसा किया वैसा किया हम सुन्नतों को छोड़कर कर कितनी गुस्ताखी कर रहे हैं हम दीन से दूर होकर नबी की सुन्नत से दूर होकर हमारा नमाज का तरीक़ा हमारे हज का तरीक़ा हमारी इबादत नबी की सुन्नत के खिलाफ हों हम सबसे बड़े गुस्ताख हम हैं हम अपने आप को भूल जाते हैं साहबा कराम इदाम इज़ाम हक अहिल हक़ से मोहब्बत होनी चाहिए ये दलील है इस बात की कि हम अल्लाह से मोहब्बत करने वाले अल्लाह के नेक बंदों से आज देखें साहबाई कराम जो दीन के सुतून हैं बुनियाद हैं उन पर इल्ज़ाम उन पर हमले मुनाफिक कह के नौज बिल्ला कोई और हमें तकलीफ़ नहीं दे रहा एक मुसलमान कहलाने वाला अहल बैस से अपना रिश्ता जोड़ने वाला मुनाफिक सहाबा कर नौज़ बिल्ला इतनी ज़ुरात मुनाफिक टाइटल रखने वाला कुरान ने ऐलान कर दिया अहादी से रसूल ने ऐलान कर दिया हर मोमिन जानता है कि जो मुनाफिक हो सहाबी नहीं हो सकता और जो सहाबी है वो मुनाफिक नहीं हो सकता लास्तान ऐसे ऐसी हरकतें करने वाले कि यहूदियों को भी शर्म आती हो इबलीस को भी शर्म आती हूँ अल्लाह किताब व सुन्नत से मोहब्बत और तखवे का रास्ता इख्तियार करें ये अल्लाह से मोहब्बत की निशानी है तखवे की ज़िंदगी गुजारें सर ये नहीं कि दिखावे के लिए नहीं तन्हाई में भी हम ये ज़िंदगी गुजारें जो रब चाहता है वह हमेशा हमें देख रहा है सुन रहा है गुनाहों नाफरमानी से हर किस्म की नाफरमानी से बचने की कोशिश करें मुश्किल तो है फितरों का दौर है लेकिन उस रफ़ से तोफ़ी मांगे जिससे हम मोहब्बत करना चाहते हैं जिसके मोहब्बत का इतदा है उससे मांगे तोफ़ी वत ना हम नेकी कर सकते हैं ना गुनाहों से बच सकते हैं जब वो तोफीक देगा तो उससे सच्ची मोहब्बत करें उससे जुड़ जाएँ वो हमें तोफीक देगा रियाकारी से बचें इबादत में अखलास पैदा करें अखलास के बगैर कोई अमल कोई नेकी हमारी कबूल नहीं होगी अल्लाह के पास मारूफ नेकी से मोहब्बत करें मुनकर से नफरत करें हराम कामों से नफरत होनी चाहिए हमने दिल में जगा दी है दिल में जगा दी हमने दुनिया को और दुनिया की यह हराम चीज़ों को फितनों को ख़ुद हमने आज, अपने आप को आजमाइश में डाला है रब ने नहीं ये आला हाथ जो हालात जिसको भी शिकायत है हालात ऐसे हुए हम हम इसके सबब हैं हम हैं सबसे पहले हम हैं बाद में दूसरों को हम बोलें हम हैं यहाँ से इसलाह शुरू करें इसी तरह किताब व सुन्नत के इल्म को हासिल करें किताब व सुन्नत के मुकाबले में हर क़ौलम जो किताब व सुन्नत के ख़िलाफ़ हैं उसको रद्द कर दें ये सहाबा ने इस पर अमल किया हमारे असलाफ़ ने आज हम हैं कि फ़लाँ फ़लाँ को हमने नबी का मक़ाम दिया और बाद इतने बदब बदनसीब नबी को अल्लाह का मक़ाम देने वाले नऊज तोहद को हमने नहीं समझा सुन्नत को हमने नहीं समझा और अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करें माल खर्च करें अपनी जान भी की बाज़ी लगाना पड़े रब के लिए अल्लाह से मोहब्बत का तखादा है जो साहबा ने हमारे असलाफ ने किया इसी तरह आखिरी बात खौफ व उम्मीद की हालत में कसरत अल्लाह को याद करें उन दुआओं का अहमाम करें अम्बिया ने दुआएँ मांगी हम हैं कि मुसीबत में भी अल्लाह को याद नहीं करते ये कैसे मुसलमान हैं वो कुफ़ार मक् मुसीबत में परेशानी में एक अल्लाह को पकारते थे आज हम कितने हालात बिगड़ रहे हैं अल्लाह को छोड़ कर नौज़ बिल्लाम अल्लाह को छोड़ कर फ़लाँ पर भरोसा फ़लाँ से दुआएँ फ़लाँ से फ़र्याद ये इस्लाम है ये मोहब्बत का तखा था अल्लाह से दुआ है अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सही मानों में रब को पहचानने की अल्लाह तोफ़ी दें सही मानों में उससे सच्ची मोहब्बत करने की तोफ़ीता फ़रमाएँ अल्लाह ताला हमारे रग रग में उसकी मोहब्बत को बिठाएँ और नफ़रत जो नफरतें हैं जो कदूरतें आज हमारे दिलों में हंसद हैं अल्लाह के सिलसिले में तकदीर के ख़िलाफ़ हम जा रहे हैं नौबील और आपसी जो भी नाचाकियाँ हैं जो भी खलल हैं जो भी नक्श है आय हैं अल्लाह उससे दूर फ़रमाए अल्लाह हमारी हिफाजत फ़रमाए अल्लाह ताला जब तक दुनिया में ज़िंदा रखे हालत ईमान पर ज़िंदा रखें ख़ातिमा हो तो ईमान की हालत में हो अदलखलवाफर उलखम वली هو الغفور الرحيم हूँफ़ुररीम असलम आलैक्म वह वर्का